सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आप या फिर आपके घर में से कोई भी रेलवे की जो ग्रुप डी की वैकेंसी निकली थी उनकी तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए अच्छी खबर है कि जो ऑनलाइन एग्जाम होगी यानी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट लिया जाएगा उसकी डेट रेलवे बोर्ड ने जारी कर दी है। तो रेलवे बोर्ड के नोटिफिकेशन के अनुसार जो लेवल वन की जो पोस्ट हैं उनके लिए 17 सितंबर 2018 से जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाएगी। और इसके लिए जो डिटेल्ड डेट है और डेट शीट है कब से किस अल्फ़ाबेट के लिए किस डेट से किया जाएगा उसका जो नोटिफिकेशन है वो 10 दिन पहले रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी किया जाएगा। तो या फिर ये काफ़ी अच्छी खबर आई है क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी लंबे समय से ये इंतज़ार कर रहे थे कि कब रेलवे एग्ज़ाम लेगा। तो अब ये जो असमंजस है वो ख़त्म हो गया है और रेलवे बोर्ड ने 17 सितंबर 2018 से एग्ज़ाम लेने की जो तारीख है वो फिक्स कर दी है। साथ में ही रेलवे बोर्ड ने यहाँ पर एक और अनुरोध किया है कि किसी भी तरीके की जो फेक न्यूज़ है उनमें विश्वास नहीं करें और जो भी रैकेट चल रहे हैं कि जो जॉब लगाने वाले दलाल उनकी बातों में नहीं आए और जो भी भर्ती की जाएगी वो मेरिट लिस्ट के आधार पर ही रेलवे में की जाएगी। और इसके लिए जो भी आधिकारिक रेलवे भर्ती बोर्ड है उसकी वेबसाइट पर जानकारी सबसे पहले दी जाएगी। तो दोस्तों, ये एक लेटेस्ट खबर है कि 17 सितंबर 2018 से रेलवे की जो ग्रुप डी या फिर लेवल वन के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और इसके लिए 10 दिन पहले डिटेल्ड से एक डेट शीट जारी की जाएगी कि किस कैंडिडेट का किस डेट पर एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। खबर अच्छी लगी, सूचना अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें जिससे आपके जो दोस्त हैं या फिर आपके जो रिश्तेदार हैं उन तक ये खबर पहुंच सके और वो भी जो बचा हुआ लगभग एक महीने का टाइम है इसमें अच्छे से तैयारी कर सकें और एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद और ऐसी लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।